पुलवामा में शहीद सैनिकों की आत्म शांति के लिए हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पुजारी वर्ग के द्वारा पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी भाग लिया। इस मौके पर भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष शर्मा भी मौजूद रहे। पुजारी वर्ग ने माँ से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माता शेरा वाली शक्ति प्रदान करें, ताकि वो दुश्मनों का डट कर मुकाबला कर अपने शहीदों की शहादत का बदला ले सके। भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता रणधीर शर्मा और पुजारी वर्ग ने 2 मिनट का मौन रखा और मां के दरबार में शहीदों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। हम माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो मोदी जी को ऐसी शक्ति दें कि वो पाकिस्तान को इसके बारे में मुंह तोड़ जवाब दें और ऐसा सबको सिखाएं कि आइंदा के लिए कभी भी पाकिस्तान ऐसी हरकत ना करे। वहीं इस मौके पर प्रदेश भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पुलवामा की घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि हमारे शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है और भाजपा सरकार खड़ी है। पुलवामा में घटी आतंकवादी घटना अत्यंत दुखद है और पूरा देश इस घटना पर स्तब्ध है। हमारे शहीद सैनिक जो है उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने आज उन शहीदों के सम्मान में आज अपने सारे संगठन और सरकार के कार्यक्रम स्थगित किए हैं। आज उन शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभाएं और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके उनके आत्मा को शांति मिले ये कामना की जाएगी और उनके सम्मान में कोई भी कार्यक्रम ना तो संगठन का ना सरकार का पार्टी आयोजित करेगी, ताकि उन शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाए। और हमें पूरा विश्वास है कि इन शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं।